हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको 800 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज हमारी है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कराऊंगा और आज मैं इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा कि उस टॉपिक से पिछले कितने सालों में क्वेश्चन आ चुका और कितनी इंपॉर्टेंस है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करें। पहले मैं आपको बता दूं फॉर्म की डेट चली हुई है फॉर्म भरने की, आप उस फॉर्म को भर लीजिए क्योंकि लास्ट डेट आने पे 26 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर क्लियर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा लास्ट डेट में और फॉर्म गलत भी भरे जाते हैं फिर करेक्शन में भी आपको समय लगेगा, बाद में एडमिशन के टाइम आपको परेशानी आएगी। सो अपने फॉर्म को जल्दी से भर लीजिए, 26 अक्टूबर लास्ट है। और भाई फॉर्म भरने के बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 9th जनवरी वो डेट है जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये जिस दिन पता चलेगा आपने पूरी तैयारी कितनी करी है। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। देखिए आपने ये देखा होगा कि एग्रीकल्चर ये टॉपिक है, इस टॉपिक से क्या है हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। दिखाएं मैं टॉपिक के आगे दिखाता हूँ क्वेश्चन कहाँ आ रहे। देखिए क्या हुआ 2021 में इससे क्वेश्चन आया, विटीकल्चर इज द कल्टिवेशन, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ऑफिशियल पेपर है। 20 में भी इससे क्वेश्चन आया इसी टॉपिक से, 2015 में आया था, 18, 19 और 17 में कोई क्वेश्चन नहीं आया इससे, इस पर्टिकुलर टॉपिक से। एग्रीकल्चर से हर बार क्वेश्चन आते हैं बट इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं है, इस छोटे से टॉपिक से। लेकिन 2015 में आया, 16, 17 और 18 में कोई नहीं आया, 17 और 18 में नहीं आया क्लियर, 19 में भी नहीं आया ठीक है, इन चार सालों में नहीं आया। और आपका 2013 में भी आया था, 13 में ये रहा विटीकल्चर ये वाला ये क्वेश्चन। तो आप ये देख रहे हैं कि इससे लगभग पिछले 8 ईयर्स में 4 सालों में लगातार क्वेश्चन आए हैं, और साथ में अगर मैं कहूँ पिछले 2 सालों से तो लगातार क्वेश्चन आ रहा है, 2021 में भी आया और 2020 में भी आया। तो जाहिर सी बात है ये एग्जामिनर का फेवरेट बना हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मुझे लगता है कि आपको इसको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए और आपको इसके 2 मार्क्स सिक्योर कर लेने चाहिए। चलिए मैं आज के टॉपिक से बताता हूँ कैसे क्वेश्चन इससे बनेंगे, क्या क्या बने हैं और क्या क्या आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 ही है बस, ये 5 ही क्वेश्चन है और 5 ही क्वेश्चन से अगर आपको 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इससे बड़ी लॉटरी मैं नहीं मानता होगी आपके लिए। देखिए एग्री में कल्चर आपने ऐड कर दिया तो एग्रीकल्चर क्या होता है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोयल, रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग लाइव स्टॉक, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। ये तो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, एग्रीकल्चर तो नहीं आएगा, ये तो एक वर्ड ही हो गया सीधा। लेकिन क्वेश्चन देखिए पिसीकल्चर से विटीकल्चर से आ चुका, सेरीकल्चर से क्वेश्चन अभी नहीं आया तो सेरीकल्चर से क्वेश्चन आएगा, या हॉर्टिकल्चर से भी क्वेश्चन नहीं आया है तो हॉर्टिकल्चर अभी बचे हुए हैं। इन्होंने विटीकल्चर को कवर कर लिया और आपका पिसीकल्चर को 2-2 बार कवर कर चुके हैं, 3-3 बार ये क्लियर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। चलिए हॉर्टिकल्चर क्या हो गया, ग्रोइंग वेजिटेबल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स क्लियर, हॉर्टिकल्चर में कोई डाउट नहीं है। विटीकल्चर क्या हो गया, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। पिसीकल्चर क्या हो गया, ब्रीडिंग ऑफ फिश। सेरीकल्चर क्या हो गया, कमर्शियल रेयरिंग फार्म सिल्क वर्म्स, जो सिल्क वर्म होते हैं सेरीकल्चर हो गया, और एग्रीकल्चर हो गया। तो आपको ये 5ों बिल्कुल याद होने चाहिए, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को बना के कई कई बार इनको देख कर लीजिए, हमारी जो टॉपिक क्विज होती है वहाँ पे भी इनको कई कई बार कवर कर किया गया है, मैक्सिमम टाइम अटेम्प्ट करिए, आपके दिमाग में बिल्कुल ये आपके सेट होने चाहिए, याद होने चाहिए अच्छे से क्लियर। चलिए यहाँ से तो ये हो गया, इसके अलावा मैंने दो इम्पोर्टेंट और ले लिए हैं सो दैट मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। चलिए पहले मैं इनको क्वेश्चन को करा देता हूँ आपको, अब इनसे देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पे हो गया ये। चलिए इसको देखते हैं पहले 2021 में, आप जवाब देंगे विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ, क्या होगा विटीकल्चर, किसका होगा, ग्रेप्स का क्लियर। यहाँ से आप देखेंगे विटीकल्चर ये हो गया, विटीकल्चर से आया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट ठीक है। चलिए अब आइए, हाँ ये देखिए दूसरा आ गया फिर आपका, ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज, तो क्या हो गया आपका पिसीकल्चर हो गया, पिसीकल्चर क्लियर ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे ऑप्शन भी 4 ही है, इसके अलावा ऑप्शन भी कुछ नहीं है ठीक है। यहाँ से आ चुका है मैच द फॉलोइंग में आया था, ये 2015 में आया था ये क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में इससे 2 क्वेश्चन आए थे, ब्रीडिंग ऑफ फिश, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप, तो पिसीकल्चर हो गया ये, और ये क्या हो गया विटीकल्चर क्लियर, ये हो गया डायरेक्ट 2 यहाँ से क्वेश्चन आए थे। साथ में 2013 में फिर ये क्वेश्चन आया था, क्या आया था, विटीकल्चर मींस कल्टीवेशन ऑफ ग्रोप, ट्रू फॉल्स में आया था ये,
क्या आया था ट्रू फॉल्स में, क्योंकि 2013 में क्या आता पेपर ट्रू फॉल्स में आते थे क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव भी आते थे, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे भी आया विटीकल्चर। तो आप देख रहे हैं फोर ईयर्स में 5 बार ये क्वेश्चन अब तक ला चुका है, क्लियर। अब देखते हैं इसको। अब देखिए मैंने इसमें दो और ऐड किए हैं, दो से तीन मैंने, जैसे अब ये इंपॉर्टेंट है ये बी कीपिंग एपिकल्चर, आप इसको एपिकल्चर को और याद कर लीजिए, एपिकल्चर है बी कीपिंग और एपिकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स, तो जो मधुमक्खी पालन होता है हनी बीज को, तो उसको बोलते हैं एपिकल्चर। ये वर्ड आपको ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूँ मैं इन पांच में, ये भी आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्लियर, एपिकल्चर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और साथ में एक आपको और याद रखना है वर्मी कल्चर, क्लियर, साथ में आपको याद रखना वल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ अर्थ वर्म्स, क्लियर। ये हो गया आपके सेवन, ये आपके साथ हो गए, पांच मैंने वो उधर हो गए, सेवन ये हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पिछले आपने देखा पिछले 8 ईयर्स में 4 बार और लास्ट ईयर से तो लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बार क्वेश्चन सेरिकल्चर, बर्मी कल्चर या एपिकल्चर से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, हॉर्टिकल्चर भी हो सकता है या फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो आप इनको अपने नोट्स में रख के और इसको रिवाइज करते रहिए, एग्जाम के टाइम भी इसको रिवाइज करना है आपको, हमारी टॉपिक क्विज वगैरह इनको आपको देना है। साथ में एक टर्म और होता है एक्वा कल्चर, एक्चुअली जो पीसी कल्चर है ना, पीसी कल्चर वो एक्वा कल्चर का ही एक पार्ट है, क्योंकि भाई पीसी कल्चर भी तो टाइप ही है ना, जो मछली पालन होता है। एक्वा कल्चर में क्या क्या आ जाएगा, एक्वा कल्चर में आपका एल्गी, अदर जो आपके क्रस्ट ओशियंस है, जो फिश की जो रीरिंग है, मोलस्क है, तो एक्वेटिक प्लांट्स है, तो जो इनका सारा जितना भी कल्चर होगा, जितना भी इनकी रीयरिंग होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वा कल्चर, क्लियर। ये एक टर्म मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन में जरूर हो सकता है लेकिन इससे मुश्किल ही आएगा। एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब वाटर होता है, तो वाटर में जो कल्चर होगा, वाटर में जो फार्मिंग होगी, उसको क्या बोलेंगे, एक्वा कल्चर। पीसी कल्चर स्पेशल किससे हो गया, आपका फिशेज से हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने मैंने आपको कराया, अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 वाले को क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे अशोका पैक को अवेल कर सकते हैं, 100% कवर करता है आपको वीडियो लेक्चर के साथ। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कीर्ति पैक को ले सकते हैं, कीर्ति पैक बेस्ट है, इसमें आपको टॉपिक वाइज कुछ मिक्स क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, सब कुछ इसमें मिलेगा। बहुत ही बिल्कुल एकदम लिमिटेड ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आपको शौर्य पैक को हमारे अवेल करिए, जिसमें हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स, एग्जाम बूस्टर, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। इंडिविजुअल क्विज भी परचेज कर सकते हैं, कोई बच्चा कहते नहीं सर हमें तो सोशल साइंस या जनरल साइंस या इंटेलिजेंस किसी भी इंडिविजुअल चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं, ये हमारे वीडियो कोर्सेज हो गए, आप इनको ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट वीडियो टॉपिक वाइज की ये सारी चीज़ें मिलेगी। पेन ड्राइव कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं, जिसके बच्चे के पास अच्छा इंटरनेट नहीं है तो वो पेन ड्राइव से देख सकता है, अनइंटरप्टेडली आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं इसमें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्यों, क्योंकि जब तक एग्जाम होने वाला है तब तक मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आता रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा मैं नहीं आपके लिए टॉपिक छोड़ने वाला जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत हो, सारे मैं लगभग कवर करूंगा। और आपका स्कोर को मेरा टारगेट है 40 प्लस कराना, क्लियर, 40 प्लस, 50 मार्क्स का आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट, मेरिट में अच्छी रैंक लाने के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको 1000 की जो इंटेलिजेंस की सीरीज है वो मिलती रहेगी, 800 हमारा ये चला हुआ है, 0 to Hero बैच है, मैथ्स मैराथन है, इंग्लिश की भी है, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें भी आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर्म भरने में से रिलेटेड या आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन नंबर पे हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।